गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माय नेम इज रवि राठौर. आई वेलकम यू ऑल ऑन लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम्स बाय अन अकेडमी. दोस्तों आवाज आ रही है क्या मेरी? कुछ टेक्निकल एरर हो रहा है बार बार. क्या अब आवाज आ रही है मेरी? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल टू यू? यस नो? आवाज आ रही सब बच्चों को? एक बार कमेंट करें. रिचा हेलो बच्चे. आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आला रे आला, नेम ही काफी है. श्री आर सिंह. सौरभ गुड मॉर्निंग. रिचा गुड मॉर्निंग. सौरभ शिवानी गुड मॉर्निंग. तो आई होप कि आपका आवाज वगैरह सब ठीक ठाक आ रही है. सो शुरू करेंगे आज का द हिंदू एडिटोरियल शो. द हिंदू एडिटोरियल बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया एक शो है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए. जिसमें भी इंग्लिश आती है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा शो है. तो स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज रवि सिंह. आई एम एम ए इन इंग्लिश. I have been teaching English for more than 10 years. I have taught hundreds of students preparing for different exams such as SSC, Banking, UPSC, CAT, CLAT, IELTS, JEE, GATE, NDA, CDS, etc. Work with some of the topmost education companies, and this is the code RaviSingh01 which you can use while purchasing any plus course. You will get 10% flat discount. Okay, so this was about myself. And if you purchase that plus course, what will be the benefit? The benefit will be like you will get daily live classes. You can chat with your educator and your all doubts will be cleared. Now, course सारा का सारा structured होता है. That will be predefined. ठीक है, आपको पहले से पता होगा कब कौन सा topic चलेगा. There will be live classes, quizzes and thorough discussions. और सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है बच्चे एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी चीज़ों के लिए. क्या करना होगा इसके लिए? आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और मुझे यानी रवि सिंह को वहाँ पर फॉलो करना होगा. ठीक है, टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी का, इस पर भी आप जुड़ सकते हैं. कम से कम 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, उससे कम वाला सारा महंगा पड़ेगा आपको. 12 महीने का 6000 का पड़ता है. 10% फ्लैट डिस्काउंट रवि सिंह 01 कोड लगाकर मिल जाएगा आपको, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं. तो अब आ जाते हैं. गुड मॉर्निंग शुभी, सिंधु, अलका गुड मॉर्निंग, शीतल. गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर. थैंक यू शीतल बच्चे ऐसा कहने के लिए. किशोर गुड मॉर्निंग, शीतल गुड मॉर्निंग, स्नेहा अग्रवाल गुड मॉर्निंग. तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग पूजा, सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग. तो द हिंदू एडिटोरियल बिल्कुल सर उठाकर, हाँ, लीक में लाइन में सबसे आगे चल रहा है. ठीक है, झंडा उठाकर बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से सुबह 9 बजे हर रोज ये लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम्स पर होता है. ठीक है, और होता रहेगा, ये शो नहीं रुकेगा. शो मस्ट गो ऑन. ठीक है, शो मस्ट गो ऑन. आशीष गुड मॉर्निंग, जय गुड मॉर्निंग, वरुण गुड मॉर्निंग, करण आपको गुड मॉर्निंग भाई. चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना. सो आज का विचार एक बार देख लेते हैं. नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, ड्रेस अप, शो अप एंड नेवर गिव अप. क्या जबरदस्त है. ठीक है, नो मैटर हाउ यू फील. ठीक है, कभी मैटर नहीं करता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं. गेट अप, उठो, ड्रेस अप, तैयार हो, शो अप. ठीक है, एंड नेवर गिव अप, कभी भी हमें गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी है. टिल द टाइम वी विल नॉट फाइंड सक्सेस, जब तक हमें सक्सेस नहीं मिल जाती, तो ये सारा प्रोसीजर हमें चलाते रहना है. ठीक है, एंड वी शुड नेवर गिव अप.
तो इन्हीं वर्ड्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। निब्बी गुड मॉर्निंग, आ जाओ बच्चे फटाफट, शो मस्ट गो ऑन। सो हेयर कम्स द वेरी फर्स्ट वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, है ना। हाँ सभी लोग एक बार लाइक कर दो प्यारे बच्चों, बिल्कुल। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज क्लास, ये वर्ड कल परसों की क्लास में छूट गया था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने कहा छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, हमें तो पकड़ना है, ठीक है, हमें तो करना है, हम छोड़ने वालों में से नहीं है, हम गिव अप करने वालों में से नहीं है। तो थैंक यू सिंधु, योगेश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रितु, गुड मॉर्निंग। तो पहला वर्ड है AMULET, एम्यूलेट, हाउ टू प्रोनाउंस एम्यूलेट, व्हाट्स द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट्स अ नाउन, व्हाट इज अ नाउन, इट्स अ नेम, नेम ऑफ समथिंग और समवन, इट्स अ नाउन, ठीक है। ताबीज को बोलते हैं, ताबीज जो कई पहनते हैं ना गले में ताबीज, ठीक है, जा तुझे नजर नहीं लगेगी, ठीक है, तो छोटे बच्चों को भी पहनाया जाता है, ठीक है, बाबा का ताबीज तेरे गले में पहना देते हैं, है ना, बाबा ताबीज दे देते हैं। गुड मॉर्निंग करण है, करण को भी गुड मॉर्निंग करते हैं भाई, अच्छी बात है, सब लोग आपस में गुड मॉर्निंग करते हैं, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो इस तरीके की फीलिंग आपस में होनी चाहिए कि लोग एक दूसरे को ग्रीट करें, ठीक है, ग्रीट करें एक दूसरे को, और मैंने देखा है ग्रुप में तुम लोग काफ़ी अच्छे से रहते हो यार, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो यार किशोर कुणाल कह रहा है सर मैं खुद बाबा हूँ, अच्छा किशोर तुम बाबा हो भाई, बड़ा खतरनाक मामला है। सो अ लकी चार्म, अ तालिश्मैन, तालिश्मैन वर्ड पेपर में आया हुआ है, ठीक है, अ लकी चार्म। तो यहां पर इसके इसके सिनोनिम तो नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन इससे मिलते जुलते बहुत सारे वर्ड समझाए जा रहे हैं बच्चे आपको। LET अगर कई बार लगा हो, LET, सो दैट मीन्स समथिंग विच इज वॉन अराउंड, वेयर की थर्ड फॉर्म वॉन अराउंड, ठीक है, LET। तो सबसे पहले है ब्रेसलेट, जो कि यहां पहना जाता है रिस्ट में, ब्रेसलेट। देखिए काम के वर्ड्स हैं, एक जैसे वर्ड हैं, मिलते नहीं हैं, इसलिए सारे के सारे एक जगह आपको सिखाए जा रहे हैं। एम्यूलेट ताबीज गले में पहना जाता है, ताबीज जो है वो गले में पहना जाता है, ब्रेसलेट ये जो है ये रिस्ट में पहना जाता है। क्या बोलते हो हिंदी में ब्रेसलेट को, क्या बोलोगे ब्रेसलेट को, क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग भावना, गुड मॉर्निंग। सो ताबीज जो है वो तो गले में पहना जाता है, ब्रेसलेट को नहीं याद आ रहा, जो भी है, हैंड बैंड, हैंड बैंड, हैंड बैंड, ठीक है। तो ब्रेसलेट होता है जो कि कलाई के चारों तरफ पहना जाता है, फिर एंकलेट होता है, ठीक है, एंकलेट जो कि गर्ल्स पहनती हैं, जिसे पायल कहते हैं, देखिए ऐसे अच्छे 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 वर्ड, ठीक है, एंकलेट एंकल के आसपास पहना जाता है, ठीक है, जिसे पायल कहते हैं, ठीक है। फिर एपोलेट कहते हैं, वॉन अराउंड द शोल्डर, तुमने मूवीज वगैरह देखी होंगी यार, वो क्या मूवी है जो बहुत हिट हुई है ना, साउथ की, साउथ की क्यों, इंडियन, मतलब वो हिंदी मूवी है। तो यहां जो यहां पर पूरा रखा रहता है, ठीक है, वॉन अराउंड द शोल्डर। फिर गॉन्टलेट है, अ स्ट्रॉन्ग ग्लव और कवरिंग फॉर हैंड के लिए होता है, हैंड के लिए, बाहुबली, 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 थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट आप सभी का। और फिर उसके बाद है सर्कलेट, सर्कलेट वॉन अराउंड द हेड, ठीक है, सर्कलेट वॉन अराउंड द हेड। तो देखिए कितने सारे वर्ड हैं, एम्यूलेट ताबीज होता है,
गले में पहनते हैं ब्रेसलेट, हाथ का बैंड होता है ना, हैंड बैंड होता है। फिर एंकलेट पाजेब को बोलते हैं, एपलेट ये शोल्डर पर पहनते हैं, रखा होता है पूरा उसका, ठीक है। गॉन्टलेट ग्लव्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्लव्स कवरिंग हैंड के लिए, यहाँ यहाँ तक पहनते हैं ना जब युद्ध युद्ध में जाते हैं। और सर्कलेट का जो है वॉन अराउंड दी हेड, हेड के चारों तरफ, ठीक है। लोहे का दस्ताना, हाँ लोहे का दस्ताना सही कह रहे हो, हाथों में पहनते हैं, बिल्कुल करण, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने सारे वर्ड्स जो हैं, ये वर्ड हमें मिल जाते हैं पैसेजेस में, ये वर्ड्स हमें मिल जाते हैं कहाँ पर, हमारे पैराजंबल्स में, ठीक है, क्लोज टेस्ट में। अब नेक्स्ट वीक से क्लोज टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, क्लोज टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। चलिए, दी सेज गेव हिम अ मिरेकुलस एम्यूलेट। द सेज जो साधु था, जो साधु सन्यासी थे, तो उन्होंने एक चमत्कारी ताबीज उसे दिया। द सेज गेव हिम अ मिरेकुलस, जा बच्चे तेरा कल्याण होगा, ठीक है। सो द सेज गेव हिम अ मिरेकुलस एम्यूलेट, ताबीज दिया। कलयुग में चीजें झूठी भी हो गई हैं, नहीं तो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में ऐसा होता भी है भाई। अब कलयुग है, यहां पर सब कुछ बदल गया माहौल, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, टेंशन मत लो भाई, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मिरेकुलस क्या होता है, मिरेकल मालूम है शिवानी, मिरेकल क्या होता है प्यारे बच्चे, मिरेकल, ठीक है, वंडर, चमत्कार। सो बन गया मिरेकुलस, चमत्कारी, वंडरफुल। चलिए अगले वर्ड पर। तो अच्छे वर्ड्स हैं, सारे नोट कर लेना, छोड़ना मत, मिलते नहीं है एक जगह सारे वर्ड्स। बहुत बढ़िया आदित्य त्रिपाठी, बहुत बढ़िया बच्चे। तो आते हैं अगले वर्ड पर, जादू, जादुई, हाँ जादुई हो जाएगा, SCOURGE, स्कॉर्ज, विच मीन्स अभिशाप। स्कॉर्ज का मतलब है अभिशाप। सुशील शर्मा कोई बच्चे हैं यहां पर जो कह रहे हैं आपकी वीडियो कल देखी, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। सुशील कोई बच्चे हैं यहाँ पर जो कि नए हैं, मोस्ट वेलकम बच्चे, मोस्ट वेलकम। सो विच मीन्स अभिशाप, सफरिंग और अ कॉज ऑफ इंटेंस पेन और सफरिंग। या तो देखिए, या तो परेशानियां या कोई ऐसी चीज जिसके कारण परेशानी हो रही है, ठीक है। इधर सफरिंग्स और अ कॉज ऑफ इंटेंस पेन और सफरिंग्स, ठीक है। कितने वर्ड हमें मालूम है, पहले ये वर्ड हमने किया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने सही वर्ड लिखे हैं। बेन, अभिशाप, कर्स, प्लेग भी होगा, बिल्कुल होगा, मिसफॉर्चून, एनाथमा, एनाथमा, एक्सक्रूसिएशन, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। ठीक है, सो बेन, न्यूसेंस, कर्स, एग्नि, एंग्वेश, कैंकर, वूज, एक्सक्रूसिएशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंग्स्ट, थ्रोज, एनाथमा, इन सभी का मतलब है बुराई, अभिशाप, अभिशाप, बुराई, ठीक है। लिख लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सो अभिशाप, बुराई, ठीक है, सफरिंग्स और एनी कॉज ऑफ इंटेंस पेन और सफरिंग्स। बेन, बून एंड बेन हमने पढ़ा है, ठीक है, बून का मतलब आशीर्वाद, बेन का मतलब अभिशाप। न्यूसेंस, कर्स,
एग्नी, एंग्वेश, मीनस भी होगा, बिल्कुल होगा होगा, मीनस होगा, बिल्कुल मीनस हो जाएगा, ठीक है। सो बुराई, अभिशाप, खतरा, करप्शन हैज बिकम मीनस फॉर आर सोसाइटी, अ बेन फॉर आर सोसाइटी, अ कर्स फॉर आर सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, प्लीज सभी बच्चे नोट कर लें। सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया है। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। और आज 11 बजे हम लोग एक 3 घंटे का मैराथन सेशन करने वाले हैं, ठीक है। 11 बजे हम लोग एक 3 घंटे का मैराथन सेशन करेंगे, ठीक है। कहाँ पर करेंगे? अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास होती है जो हर रोज हम लोग करते हैं। आज पूरा का पूरा एक मॉक टेस्ट अच्छे लेवल का करेंगे हम। तो सभी लोग एक बार लाइक कर दें बच्चे, सेशन को लाइक कर दें। अब देखिए इसको एग्जाम्पल में कैसे बनेगा। अमंग द रोडेंट्स, ये वर्ड पेपर में आया हुआ है, ये वर्ड पेपर में आया हुआ है। रोडेंट क्या मतलब है? रोडेंट का, रोडेंट, रोडेंट का क्या मतलब? मैलेडिक्शन भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा अभिशाप, मैलेडिक्शन भी हो जाएगा। MAL लिखना। अमंग द रोडेंट्स, इस वर्ड का क्या मतलब है? रोडेंट, हो जाएगा करण, बिल्कुल। रोडेंट का क्या मतलब? रोडेंट का, थैंक्स अ लॉट सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। कुतर के खाने वाले, बिल्कुल सही है, कुतर के खाने वाले, यानी जो कुतर के खाते हैं। एनिमल्स दैट, जो ये करते हैं, GNAW, एनिमल्स, ये वन वर्ड में वर्ड आया हुआ है रोडेंट, जो कुतर कर खाते हैं, गिलहरी, चूहा, ठीक है, जो बाइट करते हैं, कुतर कर खाते हैं। तो लिख लेना यार, एक भी चीज छोड़नी नहीं है। एनिमल्स दैट नो, GNAW लिखा हुआ है, जी प्रोनाउंस नहीं होता, NAW प्रोनाउंस होता है, दैट नो, वो जानवर जो कुतर कर खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं, स्क्वायरल होती है, रेड्स होते हैं, ठीक है, और बाकी तुम लोग को मालूम हुआ, तुम लोग पढ़ते हो। तो ऐसे जानवर जो कुतर कर खाते हैं, बर्बाद कर, एक्चुअली वो फसलों को बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं, वो क्रॉप को बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं, ठीक है। सो अमंग द रोडेंट्स, ऐसे जानवर उन जो कुतर कर खाते हैं, द फील्ड माउस इज अ स्क्राउज टू एग्रीकल्चर के लिए, अभिशाप है खेती के लिए, फसलों के लिए, क्योंकि ये खड़ी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए रंजन सिंह यहां पर कह रहे हैं, टू वर्ड्स 21 मीनिंग ओनली एंड ओनली विद रवि सर, ओनली एंड ओनली विद स्टूडेंट्स लाइक यू पीपल, ठीक है। हाँ, कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, लेकिन जो कुतर कर खाते हैं बच्चे, कुतर कर खाते हैं, जो बाइट करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको, उसका पेट इतना बड़ा है, उसका पेट जो है ना वो इतना बड़ा, खाएगा वो इतना, लेकिन इतनी सारी फसल कुतर के खराब कर देता है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। लिखा आपने सारे वर्ड, बेन, एनाथमा, न्यूसेंस, कर्स, एग्नी, एंग्विश, एंग्विश का मतलब सीवियर पेन होता है, एग्नी का मतलब सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द, ठीक है, एक्सक्रूसिएशन का मतलब सीवियर पेन, ठीक है, हार्श पेन,
ग्रास होपर, हाँ बिल्कुल, जो आजकल वो लोकस्ट चल रहा है, लोकस्ट, हाँ बिल्कुल, लोकस्ट लोकस्ट है ना आजकल चल रहा है, ठीक है। अगले वर्ड पर चलें, CANTANKEROUS, कैंटेंक्रस, कैंटेंक्रस, ये जो वर्ड है प्यारे बच्चों, ये मुझे लग रहा है जो 11 बजे हम क्लास करते हैं उसमें आया था, हम लोगों ने किया था आजकल में ही, टिड्डी दल, हाँ टिड्डी दल। तो ये वर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने किया है 11 बजे वाली क्लास में, झगड़ालू, इल टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, भर भर के वर्ड लिख दो, क्योंकि हमने पहले भी ये वर्ड किया हुआ है, इतने वर्ड्स लिख दो, ठीक है, सभी लोग लिखें जरा एक बार। कल किया था सर, है ना आदित्य, कल किया था हम लोगों ने, देखिए कल किया था, आज यहां पर फंस गया। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11 12 13 14, और एक वो खुद, 15 वर्ड, एक क्वेश्चन 15 वर्ड, ठीक है। समबडी हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, समबडी हु इज शॉर्ट टेम्पर्ड, समबडी हु इज इल टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, झगड़ालू, वन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, इरिटेबल, इरिटेबल, पीविश, चिड़चिड़ा, पीविश का मतलब होता है, पेट्यूलेंट, ठीक है, क्वारलसम, कंटेंकरस, इरासिबल, वर्ड इंपॉर्टेंट है ये, आजकल ये वर्ड आने लगा, इरासिबल, बिलियस, बेलीजोरेंट, बेलीकोज, टेस्टी, टर्ची, ग्राउची, ग्रम्पी, सरली भी लिखी है, SURLY, सरली, पगनेशियस, पगनेशियस, झगड़ालू, एक वर्ब होता है, ठीक है, और एक नाउन होता है, अलग अलग है, वॉरलाइक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सुशील, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा वॉरलाइक। बहुत बढ़िया, द लीडिंग करेक्टर इन द मूवी वॉज अ कैंटेंकरस ओल्ड मैन हु हेटेड द वर्ल्ड। तो किसी मूवी के बारे में कह रहा है, जो लीडिंग करेक्टर था इन द मूवी वॉज अ कैंटेंकरस ओल्ड मैन, झगड़ालू, बूढ़ा आदमी, हु हेटेड द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड से उसे नफरत थी, ठीक है। बेलीकोज, बेलीजेरेंट, बिल्कुल हो जाएंगे सारे वर्ड, बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो इन सभी वर्ड्स का मतलब है समवन हु इज रेडी टू फाइट, समवन हु इज इल टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, ठीक है, जो कभी भी लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हैं। नोट कर लेना, छोड़ना मत। फ्राका जो है ना बच्चे, वो नाउन होता है, उसका मतलब झगड़ा, लड़ाई, फ्राका। बेलिकोज, गर्ल्स फाइट विद द बेलीज, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नॉनचेलेंट। नाउ मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज नॉनचेलेंट। Which is an adjective. ठीक है, लापरवाह, कैजुअल, कितने वर्ड मालूम है?
नेग्लिजेंट लिखना बच्चे, नेग्लिजेंट है ना। सुशील यहां पर कह रहे हैं मुझ जैसे बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे हो सर आप। अरे भाई थैंक यू इतना मान सम्मान देने के लिए भाई, ऐसा बोलने के लिए। सुशील किस चीज की तैयारी कर रहे हो प्यारे बच्चे आप? आप आराम आराम से पढ़ाते हो, लिखने का भी पूरा टाइम मिल जाता है। मैं बड़ा ही आराम आराम से हूं भाई, ठीक है, बड़ा ही आराम आराम से हूं। सो ये रहे यहां पर सिनोनिम्स। कैजुअल ऑफ हैंड बहुत ही बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, थर्ड वाला आ चुका है एग्जाम में। फ्लेगमेटिक थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर एक बच्चा कह रहा सर अच्छी बात यह है कि आप बहुत आराम आराम से पढ़ाते हो, पूरा टाइम मिलता है लिखने का, ठीक है, पूरा टाइम मिलता है समझने का, और ऐसा नहीं मिलता बाकी क्लासेस में, ठीक है। सो कैजुअल है, ऑफेंट है, फ्लेगमेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनसॉशियंट, रेकलेस, हीडलेस, केयरलेस, हैप हजर्ड, जल्दबाज, स्लैपडैश, स्लिप शो, ऐसे ऐसे वर्ड लिखो ना आप, देखो ऐसे ऐसे यही वर्ड घूमते रहते हैं हर एग्जाम में। स्लैपडैश, स्लिप शोड, स्लॉपी, और बहुत ही बढ़िया वर्ड होता है डैबलर, वन हु डज नथिंग सीरियसली, डैबलर, ठीक है। ड्रीम तो सर आरबीआई ग्रेड बी है, बट उससे पहले एक सेफ प्लेटफॉर्म बनाना है अपने लिए। बहुत बढ़िया सुशील, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड बच्चे, इसी तरीके से बस जुटे रहो, लगे रहो, सफलता तुम्हें मिलनी ही मिलनी है। डिलेटेंटे भी होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सो नॉनचैलेंट का मतलब है समबडी हु इज केयरलेस, हु इज कैजुअल, हु इज फ्लेगमेटिक, इनसॉशियंट, रेकलेस, हीडलेस, वॉचलेस, ठीक है, केयरलेस, हैप हजर्ड, स्लैपडैश, स्लिप शॉट, स्लॉपी, डैबलर। तो काफी सारे नए बच्चे दिख रहे हैं यहां पर। हिमांशी डबास, मेरा फोकस तो पीए पीओ है, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सो ही इज अ नॉनचेलेंट, ही इज अ नॉनचेलेंट, आई फाउंड हिम डूइंग नथिंग सीरियसली, ही इज अ नॉनचेलेंट, आई फाउंड हिम डूइंग नथिंग सीरियसली। तो वो एक केयरलेस है, ठीक है, लापरवाह है। आई फाउंड हिम नथिंग डूइंग नथिंग सीरियसली, मैंने कभी भी उसे कुछ भी सीरियसली करते नहीं देखा, ठीक है, नोट कर लेना। इसीलिए इतनी स्लो क्लास चल रही है कि हर बच्चा आराम से सारी चीजों को नोट करे, ठीक है। क्लास का बहुत सिंपल रूल है, जब तक हर हर बच्चे को सारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं सकता, स्लाइड आगे जाएगी नहीं, क्लास आगे जाएगी नहीं। टोटल 4 क्वेश्चन किए हैं हमने, टोटल 4 क्वेश्चन किए हैं, और मैं नए बच्चों से पूछता हूं कितने वर्ड्स हैं हमारे पास। टोटल वी हैव डन 4 4 क्वेश्चन टिल नाउ, एंड हाउ मेनी क्वेश्चन वी डिड, बहुत बढ़िया निब्बी, बहुत बढ़िया। तो टोटल 4 क्वेश्चन किए हम लोगों ने, मैम 50+ क्वेश्चन वर्ड्स हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। रंजन कह रहे हैं 50 से ज्यादा वर्ड हम लोगों ने कर लिए, ठीक है।
और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी वोकैब अच्छी है ना तो इंग्लिश आपको कभी डरा नहीं सकती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंजन, किशोर, कुणाल, सुशील, बहुत बढ़िया। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से 60 वर्ड 4 क्वेश्चन में कर लिए, बहुत बढ़िया। एफिनिटी, AFFINITY, एफिनिटी। एफिनिटी सर, यू आर एक्सप्लेनिंग सो वेल, इट विल बी सो हेल्पफुल, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम स्नेहा अग्रवाल, मोस्ट वेलकम बच्चे, थैंक्स अ लॉट फॉर राइटिंग दिस। यहां पर एक चीज हमें समझनी है जरा, अगर इंग्लिश में किसी वर्ड में आपको ये वर्ड दिख रहे हैं, एमी एफ, ठीक है, बैने, एमोर, तो इनका लेना देना लव से है। अगर इंग्लिश में कहीं पर ये वर्ड दिख रहे हैं, एम ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है, बेने दिख रहा है, अमोर दिख रहा है, तो इनका लेना देना लव से है, प्यार से है, प्रेम से है, सौहार्द से है, भाईचारे से है। एमी एबल, एमी केबल, अफेयर, एफिनिटी, बेनेवोलेंट, एमोरस, तो नोट कर लेंगे आप। अगर ये प्रीफिक्स कहीं पर दिख रहे हैं तो समथिंग इज रिलेटेड टू लव, प्यार, प्रेम, भाईचारा, कंपैटिबिलिटी। सो एफिनिटी का मतलब है एक नेचुरल झुकाव किसी चीज की तरफ, एक नेचुरल आकर्षण किसी चीज की तरफ, प्यार, प्रेम, सौहार्द, लाइकिंग, इंक्लिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेंचेंट, प्रोक्लिविटी, बेंट, रैपो, RAPPORT, रैपो का मतलब गुड रिलेशन, एमिटी, देयर शुड बी एमिटी अमंग पीपल, लोगों में भाईचारा होना चाहिए, अकॉर्ड, देयर शुड बी हार्मनी अमंग पीपल, ब्रदरहुड, प्रोपेंसिटी, प्री डिस्पोजिशन, प्री डिलेक्शन, फोंडनेस, टेंडेंसी। सो एमिटी, कॉमिटी, अकॉर्ड, पीस, हार्मनी, ब्रदरहुड, एफिनिटी, नोट करेंगे, एक भी वर्ड नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एफ से वर्ड बन गए, एफिनिटी, अफेयर, अफेक्शनेट, अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब लगाव होता है ना, किसी से लगाव है तो क्या है, अफेक्शन है। तो ऐसी 20 क्लास अगर तसल्ली से कर ली तो फिर आप समझ सकते हैं, गड़बड़ तब है जब ये रहा ऑप्शन ए, ये रहा ऑप्शन बी, ये रहा ऑप्शन सी। जब कोई नया बच्चा आता है तो वो ग्रामर में ऐसे आंसर करना शुरू करता है, सी सही है, सी वुड सर, सी इज द आंसर सर, डी इज द आंसर। तो मैं समझ जाता हूं ये बच्चा अभी नया ज्वाइन किया है, अभी न्यू है बच्चा ये, लेकिन वहीं पर बाकी बच्चे लिख रहे होते हैं, सर इसकी जगह ये लिखिए, सर ये हटाकर ये लगाइए, सर यहां पर ये चीज गलत है। तो मैं समझ जाता हूं ये वो बच्चा है जो पहले से ही मेरे साथ पढ़ रहा है। बोलो ऐसा है या नहीं है, जो बच्चे यहां पर पुराने हैं ऐसा है कि नहीं है, जब हम ग्रामर की क्लास करते हैं
तो आप क्या बताते हैं? सॉल्यूशन बताते हैं, बाकी ऑप्शन बताते हैं। आप सॉल्यूशन बताते हो और बाकी ऑप्शन बताते हैं, फिर धीरे धीरे वो बच्चा भी उसी रंग में रंग जाता है और वो भी डीप। फिर वो ऑप्शंस नहीं बताता, वो सॉल्यूशन बताता है। ठीक है, बहुत बढ़िया करण, बहुत बढ़िया बच्चे। कैमराडरी लिख सकते हैं, बिल्कुल भाईचारा। सो देयर शुड बी एफिनिटी अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज। जो संप्रदाय हैं अलग अलग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हैं भाई भाई। ठीक है, भगवान ना जाने किसने ये हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई बनाया। ठीक है, ऊपर से यहां लिखकर भेजते और यहां पर स्टैंप लगी होती। ठीक है, इंसान इंसान में इंसानियत तो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए वो अलग पार्ट है, उस पर टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, देयर शुड बी एफिनिटी अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज। तो जो अलग अलग संप्रदाय हैं, सब में भाईचारा, प्यार, प्रेम, पीस, हार्मनी, सौहार्द एक दूसरों के लिए होना चाहिए। ठीक है, अगर इंसान में दया नहीं है, क्षमा नहीं है, प्यार प्रेम नहीं है, तो वो इंसान नहीं है। दुनिया में कितने परसेंटेज लोग वेजिटेरियन होंगे आपके हिसाब से? मैं किसी को बिल्कुल वो नहीं कर रहा, किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सर मतलब ऐसे कमेंट कर रहे हैं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, दुनिया में कितने परसेंट लोग वेजिटेरियन होंगे? आपके हिसाब से दुनिया में कितने परसेंट लोग वेजिटेरियन होंगे? कितने परसेंट? तीस परसेंट। अब जी 30%, गूगल सर्च करो ना भाई, 40%। गूगल सर्च करके कभी देखा है? अभी गूगल सर्च करो जरा एक बार, गूगल सर्च करो जरा एक बार, अभी पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 65%, जबरदस्त। ठीक है, एक बार गूगल सर्च करो जरा, गूगल सर्च करो कितने परसेंट लोग जो हैं दुनिया में वेजिटेरियन हैं। गूगल सर्च करके देखो, वर्ल्ड में सर्च करना, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में, वर्ल्ड में। वर्ल्ड में सर्च करो जरा, क्या आंसर आ रहा है ये मुझे भी बताओ। लगभग 10% के आसपास, लगभग 10% के आसपास जो लोग हैं, 10% या उससे भी कम, 10% के आसपास, यानी 90% रात दिन। आप समझ रहे हैं, सिर्फ 10% लोग, उसमें से भी सबसे ज्यादा इंडिया में। ठीक है, तो बाहर सब्जियां जब देखते हैं ना, सब्जियां, कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर सब्जियां देखकर उनको बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या है यार। ठीक है, तो जैसा हम खाते हैं वैसा हम सोचते हैं, और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं, और जैसा हम करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। मैं किसी के लिए भी कमेंट नहीं कर रहा यार, प्लीज इसको ऐसे मत लेना प्यारे बच्चों। वैसी खाते हैं वैसी सोचते हैं, वैसी सोचते हैं तो वैसी करते हैं और वैसी ही बन जाते हैं। अनसिविलाइज्ड, मेरा 1% भी, मैं किसी को नहीं कर रहा कुछ भी। ठीक है,
ये हर एक का अपना पर्सनल मैटर हो सकता है। आपको पता है ये जो परेशानी आई है, ये जो पूरे वर्ल्ड पर आफत आई है, ये कहां से आई है, ये कैसे आई है? ये जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर दुनिया में करीब 10 लाख आदमी मर गया अकेले इंडिया में, 70,000 60,000-70,000 ऑफिशियल बता रहे हैं, पता नहीं कितने लोग मर गए होंगे, 60,000-65,000 ऑफिशियल बता रहे हैं। हर कंट्री क्या करती है, डेटा छुपाती है। आपको पता है किस कारण से मरे हैं ये? भाई दुनिया में जो 10 लाख आदमी के आसपास, 10 लाख ऑफिशियल बता रहे हैं, मरे पता नहीं कितने होंगे, ठीक है? ये सब किस कारण से मरे हैं? गंद खाने के कारण। अगर अच्छा, अगर ढंग से बोलूं ना, थोड़ा सा हार्श बोलूं तो गंद खाने के कारण, ठीक है? भगवान ने हमें इंसान बनाया था, वी आर दी बेस्ट क्रीचर ऑफ द गॉड, ईश्वर के हम सर्वोत्तम क्रीचर हैं, क्रिएशन है, लेकिन इंसान यहां पर आकर क्या बन गया, ठीक है? मैं किसी को भी इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूं कि आप कुछ भी करना। एक वीडियो मैंने फेसबुक पर शेयर किया था, ठीक है, कितनी ब्रूटली, अगर 2 दिन, अगर एक दिन हमें वैसे रखा जाए, क्या हालत हो जाएगी हमारी, ठीक है? छोटे छोटे जानवरों को कैसे रखते हैं, कैसे उनकी कभी टांगे ही सीधी नहीं हुई, बताओ। एक जीवन ऐसा, वो बेचारा अपना पैर ही नहीं सीधा कर सकता, वो बस ऐसे ही है, वो ऐसे ही अटका हुआ, वो खड़ा ही नहीं हो सकता, ठीक है? कितनी ब्रूटैलिटी है, ठीक है, कितनी क्रूल्टी है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि भाई किसने हमें अधिकार दिया कि किसी दूसरे का जीवन हम खत्म करें? किसने हमें यह हक दिया? अरे मेरा खुद का नहीं पता मैं कब तक हूं, आई डोंट नो टिल व्हाट टाइम आई एम, अगले 1 सेकंड का नहीं पता। तो फिर किसी दिन दूसरे दिन बात करेंगे इस पर, ठीक है? अब रंजन मेरे से पूछ रहा है, सर आप नॉन वेजिटेरियन कभी खाए हैं? रंजन सच बोलूं या झूठ बोलूं? आदित्य बढ़िया मजे ले रहे हो तुम। हाँ तो जब मैं अपने 10th 12th में रहा हूँगा, ठीक है, या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रहा हूँगा, तो मुझे बहुत 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 शौक था कि मैं भी बॉडी बिल्डिंग करूँ, ठीक है, जिम जाऊँ। तो जिम का ट्रेनर जो था वो बताता था, भाई आपको एग खाना है, चिकन खाना है, ये सारा खाना है, आपको वो खाना है। तो बिल्कुल भैया ये पाप एक आधी बार तो मैंने भी किया है आज से 10-20 साल पहले, लेकिन एक बार जब अपने मैं फ्रेंड के साथ वहां पर गया, जहां वो मंडी होती है, जहां वो सारा स्लॉटरिंग होती है, कत्लेआम होता है, वो मंडी में जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि एक आंटी बैठी है शॉप पर, ठीक है, एक फीमेल बैठी थी। अच्छा तुम में से यार परेशान तो नहीं हो रहे ना, किस कहां से कहां टॉपिक चला गया। तो उस आंटी ने क्या किया कि उसमें से वो निकाला एक चिकन को, और उसको हल्का सा ऐसे, जो चाकू होता है उसको हल्का सा ऐसे गले पर लगाया, पूरा नहीं, हल्का सा काट कर यहां तक, ऐसा हल्का सा, और एक ड्रम था उस ड्रम में डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया, उसका ढक्कन बंद कर दिया। और उसके बाद जब वो ड्रम में जो हुआ ना बच्चे, ठीक है, वो जो फड़फड़ाया, वो जो तड़पा, तो भाई ज्ञान अज्ञानता होती है आदमी में। वहां पर खड़े होकर मैंने कहा, अगर इसको खाकर तू पहलवान बनेगा ना, तो मैं थू करता हूं तेरी ऐसी पहलवानी पर,
मेरी अंतरात्मा ने, मेरे मन ने ऐसा कहा कि अगर इसको ये बेचारा तड़प रहा है, इतना सा एनिमल है बेचारा, बोल नहीं सकता ये, और अगर इसको खाकर तू पहलवान बनेगा, बॉडी बिल्डर बनेगा, तो थू है तेरे ऊपर। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी भी, अब तो खैर मैं सोच भी नहीं सकता, आई नेवर डेड, मैंने कभी नहीं किया। बाकी ये आपका फैसला है, मैं तो अपनी स्टोरी सुना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये सब चीजें करना। तो उस दिन के बाद मैंने सोचा, मैंने कहा इतनी बुरी तरह तड़प रहा है बेचारा उस ड्रम के अंदर वो, ठीक है, इस गंध को मैं घर ले जाऊंगा मरा हुआ। शमशान में जाते हैं ना तो घर पर अंदर नहीं जाते, घर के अंदर कुछ टच नहीं करते, किसी के साथ नहीं बैठते, पहले नहाएगा, कपड़े बाहर उतारेगा, स्लीपर्स बाहर उतारेगा, लेकिन घर में मरा हुआ लाता है, मरा हुआ पकाता है और मरा हुआ खाता है, ठीक है। चलिए बस इतना बहुत है, सो वी शैल मूव अहेड। ये बस किसी तरीके से मेरे दिमाग में आ गया ये सारा, ठीक है। टीचर का मतलब होता है टीच, कोई भी ऐसी चीज जिंदगी में, एक ऐसी अच्छी बात, ठीक है, टीचर से पहले टीच आया एंड स्टूडेंट से पहले स्टडी आया। हर वो आदमी स्टूडेंट है जो कितनी भी उम्र में कुछ ना कुछ स्टडी कर रहा है, सीख रहा है। तो टीचर का मतलब सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करवाना है, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छे वर्ड हैं, दीज आर द फैंटास्टिक वर्ड्स, एफिनिटी विच मीन्स हार्मनी, पीस, एमिटी, अकॉर्ड, भाईचारा, ठीक है। तो आपने देखा दुनिया में 10% से कम लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन हैं। पहले मुझे भी विश्वास नहीं होता था, ठीक है। एक वर्ड और कर लेते हैं, मेरा कोई पर्सनल ऐसा नहीं है, वो आपके अपने सब वो है, ठीक है। मैं तो बस जो मेरा मेरा जो मन में था वो मैंने आपको कहा। सौरभ, देखो सौरभ क्या कह रहा है, सौरभ क्या कह रहा है, कह रहा है मेडिसिन में तो डाल रहे हैं, उसका क्या बाबा, ठीक है, इसे भी रोकना है गुरुजी। आप जो मर्जी खान पान करें, ठीक है, मैंने तो अपना जो अपना मेरा एक्सपीरियंस है वो बताया है, ठीक है, और हर रोज मैं डिस्कस भी नहीं करता इसको। चलिए, तो इंसान है तो क्षमा, दया, प्यार, प्रेम उसके अंदर होना ही चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, आज इतने रखेंगे, विल मीट यू एट 11 o'clock। आज एक मैराथन क्लास हम लोग कर रहे हैं 11 बजे, ठीक है, 11 बजे एक मैराथन क्लास। चाइना ने पहली बार वर्ल्ड को ये नहीं दिया है, चाइना ने इससे पहले भी वर्ल्ड को ये चीज दी है, ठीक है। उनके गलत खान पान के कारण वर्ल्ड में पहले भी ऐसी ऐसी महामारियां, ऐसे पेंडेमिक फैले हैं, ठीक है। सो मोस्ट वेलकम आप सभी का, बहुत बहुत बच्चे आप आए सेशन में, आपने शो अटेंड किया, ठीक है। इन वर्ड्स पर काफी सारा ध्यान दीजिएगा। विल मीट यू अगेन एट 11 o'clock। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ मैराथन सेशन, अ स्पेशल क्लास, ठीक है, दैट विल बी ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड इट विल बी अ 3 hour सेशन, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी उसको अटेंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। इन वीडियोज को शेयर करना प्यारे बच्चों। थैंक्स अ लॉट।